ताजमहल का नकल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा को, ऑप्शन बी मुमताज महल को, ऑप्शन सी हवा महल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा को, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मदुरै को, ऑप्शन बी केरल को, ऑप्शन सी वाराणसी को, ऑप्शन डी हरिद्वार को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मदुरै को। मदुरै को भारत के मंदिरों का शहर कहा जाता है। कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी कानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद। हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जयपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नागपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए काजीरंगा अभयारण्य, ऑप्शन बी मानस अभयारण्य, ऑप्शन सी गीर अभयारण्य, ऑप्शन डी केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा अभयारण्य, जो कि असम में है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1963 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी को, ऑप्शन बी बुध को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी मंगल को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टेस्ट क्विज दिया जा रहा है। जो भी इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देगा, उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था, जिसका सही उत्तर है भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश।
प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।